नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का नोएडा और मैं हूं आपके साथ गायत्री। सड़क हादसों को रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण नए नए नियम लेकर आ रही है, जिससे बढ़ते हादसों में गिरावट आ सके। ऐसे में नोएडा ट्रैफिक पुलिस भी सड़क हादसों को रोकने के लिए साथ ही साथ ट्रैफिक नियम के पालन के लिए काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने वाहन से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दी में घर से निकल गए, लेकिन आप अपनी सेफ्टी को अनदेखा करते हुए हेलमेट नहीं पहनना चाहते, या फिर आपने सीट बेल्ट ही नहीं लगाई और तभी अचानक सड़क पर चलते समय आपका सामना ट्रैफिक पुलिस से हो जाए, तो क्या होगा? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। यानी ट्रैफिक पुलिस आपको बिना हेलमेट का देखकर भी चालान नहीं काटेगी, ना ही बिना सीट बेल्ट लगाने पर आपसे जुर्माना वसूलेगी, बल्कि कुछ ऐसा करेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपका चालान काटने के बजाय ट्रैफिक पुलिस आपको गांधीगिरी दिखाएगी, आपको यातायात के नियमों को लेकर जागरूक करेगी, साथ ही आपको फूल और यातायात नियमों का पंपलेट देकर जूस भी पिलाएगी, जिससे आगे से आप घर से बाहर निकलें तो यातायात के नियमों का पालन करना न भूलें। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बार बार ये गलती करेंगे और ट्रैफिक पुलिस आपको छोड़ देगी, तो भी आपकी ये भूल है। अगर एक बार समझाने के बाद भी आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, वो भी कई गुना। मैं जनपद के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का, यातायात नियमों का अनुपालन अवश्य करें। दोस्तों यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा था, लिहाजा रेडी मैन व्हील कैप के बारे में भी वाहन चालकों को जानकारी दी जा रही थी। लोगों को यह समझाया जा रहा था कि किस तरह इस व्हील कैप से दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो आप 4 साल पहले जो डेट ऑफ एक्सीडेंट देख रहे हैं, जो फ्रंट से एक्सीडेंट फ्रंट से, आज 2023 पे लास्ट में देखिएगा कितना ग्राफ कम हो गया। ये चीज जोनल कमिटी में होता है, उसमें हमें डेट को पता चल जाता है हम लोग गौतम बुद्ध नगर में कितना करे। तो ये चीज लगाने से क्या होता है, फायदा होता है, दूर से 2 किलोमीटर दूर से एक गाड़ी को नजर आएगा, कोहरा में नजर आएगा, एक्सीडेंट से बच जाएगा, थोड़ा ड्राइवर भी सतर्क होकर अपना गाड़ी चलाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नोएडा पुलिस का ये काम सराहनीय है। इससे जहां एक तरफ लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि नोएडा पुलिस का ये काम सराहनीय है। जहां एक तरफ लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। नोएडा से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।